मैं हूं संतोष। सिटी न्यूज वैन रीवा की सांध्यकालीन समाचार सेवा में आपका स्वागत है। प्रस्तुत हैं आज के मुख्य समाचार। स्वरोजगार रोजगार दिवस कार्यक्रम अंतर्गत मुख्यमंत्री ने वर्चुअली किया युवाओं को संबोधित। कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में आयोजित हुआ जिला स्तरीय कार्यक्रम। रोजगार के लिए वितरित किए गए चेक शेड्यूल में बैठकर मुख्यमंत्री ने युवाओं को दी भविष्य की बधाई। आपको बता दें कि स्वरोजगार के माध्यम से रोजगार प्रदान करने की मध्य प्रदेश सरकार की मुहिम का दूसरा स्वरोजगार रोजगार दिवस आज प्रदेश सहित कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में मनाया गया। युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में कार्यक्रम के दौरान चेक के माध्यम से राशि वितरित की गई। इस अवसर पर जिले के वरिष्ठ जनप्रतिनिधि सहित प्रशासनिक अधिकारी भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का सजीव प्रसारण भी किया गया, जिसमें शहडोल में बैठकर प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान के द्वारा प्रदेश के युवाओं को उनके उज्ज्वल भविष्य की बधाई दी गई। कार्यक्रम अवसर पर रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा एवं पूर्व मंत्री स्थानीय विधायक राजेंद्र शुक्ला द्वारा युवाओं को रोजगार के लिए चेक वितरित किए गए तथा आने वाली शासन की योजनाओं का लाभ लेकर स्वयं रोजगार व स्वरोजगार स्थापित करने की भी बात कही गई। इस दौरान कलेक्टर मनोज पुष्प, नगर निगम आयुक्त मृणाल मीणा, जिला प्रबंधक यूबी तिवारी सहित अन्य संबंधित अधिकारी एवं हितग्राही उपस्थित रहे। प्रस्तुत है पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ला से प्राप्त जानकारी के अंश। गंभीर समस्या बेरोजगारी की है, उतनी ही गंभीरता के साथ हमारे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी इसके समाधान के लिए प्रयास कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले हम लोग सवाल में इकट्ठे हुए थे, मुख्यमंत्री जी भोपाल से जुड़े थे और रोजगार और स्वरोजगार के मामले में जो प्रकरण बैंकों से स्वीकृत हुए हैं वो हितग्राहियों के खातों में पहुँचाना, उनको प्रेरित करना, उनसे बातचीत करना, उनको सफलता के सूत्र और उनकी सक्सेस स्टोरी को सुनना, एक वातावरण पूरे मध्य प्रदेश में बेरोजगारी की समस्या को दूर करने के लिए बना हुआ है। लगभग 8 ऐसी योजनाएं हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम हो, चाहे प्रधानमंत्री स्वनिधि हो, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना, प्रकरण आवेदन ले लेके उसको बैंकों में भेज के स्वीकृत कराना, रोजगार के मेले आयोजित करना, उनको कुशलता की ट्रेनिंग देना, फिर उनका प्लेसमेंट करवाना, ये चौतरफा प्रयास होगा। इसलिए जरूरत है हम लोगों को आगे आके और लाभ उठाने की, आगे आओ लाभ उठाओ। जो लोग सक्रिय हैं वो उसका फायदा ले रहे हैं और ये जो छोटे छोटे उद्योग हैं, जैसे अभी पांडे जी बता रहे थे कि उन्होंने एक उद्योग शुरू किया जिसमें 25 लोगों को रोजगार दिया है, उसमें निवेश कितना किया था उन्होंने? 1 करोड़ का, 7.5 लाख तक की शुरुआत की उन्होंने, उद्योग लगाया और 25 लोगों को रोजगार मिला। इससे ये साबित होता है कि छोटे छोटे उद्योग ज़्यादा रोजगार देते हैं। आप एक सीमेंट प्लांट डालिए, 1500-2000 करोड़ का निवेश होगा और 1000 लोगों को रोजगार मिलेगा। और यदि 15-15, 20-21 करोड़ तक के इंडस्ट्री डालेंगे तो एक में 20 से लेकर 50% लोगों को रोजगार मिलेगा। मतलब यदि 1500 करोड़ की एक छोटे छोटे इंडस्ट्री रीवा जिले में लग जाए, कोई 1 करोड़ का, कोई 50 लाख का, कोई 25 लाख का, तो आप समझिए कि 20,000 लोगों को रोजगार मिल सकता है। जिले के 13 कृषकों को पर्यावरण क्षतिपूर्ति की नोटिस जारी। आपको बता दें कि पर्यावरण शर्तों का उल्लंघन करने पर रीवा जिले के 13 स्टोन क्रेशर संचालकों को निर्धारित समय में नोटिस का जवाब प्रस्तुत करने को कहा गया है। बताया गया है कि जिन क्रेशरों को नोटिस जारी हुई है वह बनकुइया क्षेत्र में संचालित हो रही हैं। इन क्रेशरों के प्रकरण NGT नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में चल रहे हैं। गौरतलब है कि बनकुइया क्षेत्र के स्टोन क्रेशरों में पर्यावरण प्रदूषण को रोकने किसी तरह की व्यवस्था नहीं की गई है, जिसकी वजह से स्टोन क्रेशर से उठाने वाली धूल न सिर्फ सड़क बल्कि आबादी क्षेत्र में पहुंचकर पर्यावरण का प्रदूषित कर रही है। प्रदूषण विभाग के क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा बार बार निरीक्षण और निर्देश देने के बावजूद क्रेशर संचालकों ने प्रदूषण को रोकने प्रभावी उपाय नहीं किए हैं। टीम के निरीक्षण पर भोपाल से जांच के लिए टीम की आने की जानकारी मिलते ही थोड़ी बहुत व्यवस्था कर पानी का छिड़काव कर दिया जाता है। शेष दिनों में पत्थर कोई क्रेशिंग से उड़ने वाली धूल सड़कों के साथ आबादी क्षेत्र में भी पहुँचती रहती है।
सूत्रों की माने तो कुछ समय पूर्व भोपाल से आई टीम ने यहां पहुंचकर बनकुइयां क्षेत्र के स्टोन क्रशरों का निरीक्षण किया था। निरीक्षण के दौरान प्रदूषण को रोकने में व्यवस्थाएं नहीं पाई गई जो पर्यावरण शर्तों के अंतर्गत अनिवार्य है। बताया गया है कि निरीक्षण रिपोर्ट मिलने के बाद 13 स्टोन क्रशरों को पर्यावरण क्षतिपूर्ति की नोटिस जारी की गई है। इको पार्क का सीओ ने किया निरीक्षण, समय सीमा पर गुणवत्ता युक्त कार्य करने के दिए निर्देश। आपको बता दें कि शहर में बिहार नदी के किनारे बनाए जा रहे इको पार्क के कार्यों का निरीक्षण करने इको टूरिज्म बोर्ड के सीओ सत्यानंद रीवा पहुंचे। उनके साथ वन विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे। बनाए जा रहे इको पार्क के कई कार्य बाढ़ एवं अन्य कारणों से खराब हो चुके थे, जिसके चलते सीओ ने अधिकारियों और ठेकेदार को निर्देशित किया है कार्य की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान रखा जाए, ताकि भविष्य में नदी के किनारे होने वाले जल भराव से कोई नुकसान ना हो। वर्तमान में किए जा रहे कार्यों पर उन्होंने कहा कि अभी इसमें कई कमियां हैं जिनका समय पर सुधार कराया जाएगा। साथ ही कहा कि जून 2022 तक जिन कार्यों को पूरा करना है उन्हें समय पर पूरा किया जाए, यदि समय पर कार्य पूरे नहीं होते हैं तो पेनाल्टी लगाई जाएगी। आपको बता दें कि पूर्व में बाढ़ के कारण झूला पुल गिर गया था, इसलिए इस बार पुल की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए गए हैं। इको पार्क परिसर में सिट आउट, कैफेटेरिया, इको पार्क जो बनना है, विवाह एवं अन्य कार्यों को भी देखा और कहा कि यहां पर होने वाला हर निर्माण इको फ्रेंडली होना चाहिए। सीओ सत्यानंद ने डीएफओ चंद्रशेखर सिंह से कहा कि इस प्रोजेक्ट की नियमित निगरानी करें ताकि गुणवत्ता युक्त कार्य किया जा सके। प्रस्तुत है इंजीनियर नवीन मिश्रा से प्राप्त जानकारी के अंश। नहीं, इस निरीक्षण का उद्देश्य तो मुख्य रूप से इको टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड के मध्य प्रदेश के हमारे सीओ सत्यानंद साहब आए हुए हैं। वो देखना चाहते थे कि प्रोग्रेस कितनी है, क्योंकि इसका एक टाइम लिमिट में पूरा करना है ताकि लोकार्पण करके और पब्लिक की यूटिलिटी के लिए यूज़ हो सके। और निश्चित रूप से शहर के बीच में अच्छी चीज़ है, तो बहुत दिनों से पेंडिंग चल रहा था, इसलिए वो एक बार देखने की कोशिश किए। और काम चूंकि इनका तेज़ी से चल रहा है, अभी वो अप्रैल में कंप्लीट करने की बात कर रहे हैं। लेट अस होप कि वो समय सीमा में चीज़ें पूरी हो जाएं, एक अच्छी चीज़ शहर के लिए उपलब्ध हो जाएगी। थैंक यू। आंगनवाड़ी की नौकरी के लिए फर्जी तरीके से अंक सूची प्रस्तुत किए जाने के मामले में 7 वर्ष की न्यायालय ने सुनाई सजा। आपको बता दें कि न्यायालय ने जिले के महिला बाल विकास परियोजना जवा में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता पद की भर्ती के लिए किए गए आवेदन में कूट रचित अंक सूची प्रस्तुत किए जाने के मामले में आरोपी को 7 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है तथा अर्थदंड से भी दंडित किया गया है। मामले के संबंध में अतिरिक्त लोक अभियोजक राकेश पटेल ने बताया कि महिला बाल विकास परियोजना जवा में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका की नियुक्ति के लिए 25 जून 2009 को विज्ञापन जारी हुआ था, जिसमें आरोपी ने उप आंगनवाड़ी कार्यकर्ता पद हेतु आवेदन किया और 5वीं की अंक सूची सहित अन्य दस्तावेज प्रस्तुत किए, जिसमें अनंतम सूची 5 सितंबर 2009 को निकाली गई, जिसमें उसका चयन हुआ था। इस संबंध में अनंतम सूची के सरल क्रमांक 2 पर चयनित उषा गौतम ने एकीकृत बाल विकास परियोजना अधिकारी जवा के यहां शिकायत दर्ज कराई थी कि आरोपी ने 5वीं की अंक सूची कूट रचित प्रस्तुत की है, जबकि उसका कक्षा 5वीं की अंक सूची में 91% है, कूट रचना करके 93% कर दिया गया था। इस संबंध में परियोजना अधिकारी द्वारा जवा थाने में शिकायत दर्ज कराई गई, जिसका मामला न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहां साक्ष्यों के आधार पर संपूर्ण तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए पंचम अपर सत्र न्यायाधीश ने आरोपी को 7 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। ये मामला था कि महिला विकास परियोजना जवा रीवा में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका की नियुक्ति हेतु दिनांक 25/9 को विज्ञापन प्रकाशित हुआ था, जिसमें अभियुक्त निशा जायसवाल ने उप आंगनवाड़ी कार्यकर्ता पद हेतु आवेदन किया, जिसमें 5वीं की अंक सूची सहित अन्य दस्तावेज प्रस्तुत किए। अनंतिम सूची 5/9/2009 को निकाली गई थी, जिसमें अभियुक्त निशा देवी का चयन हुआ था, जिस संबंध में अनंतिम सूची के सरल क्रमांक 2 पर चयनित उषा गौतम ने शिकायत एकीकृत बाल विकास परियोजना अधिकारी जवा के समक्ष प्रस्तुत किया। आरोपी 5वीं की अंक सूची कूट रचित प्रस्तुत की, जबकि उसकी कक्षा 5वीं की अंक सूची में प्रतिशत वास्तव में 51% था, किंतु कूट रचना कर 93% कर दिया गया, जिसकी जांच पश्चात शिकायत सही पाए जाने पर आरोपियों के विरुद्ध परियोजना अधिकारी
रामानंद द्विवेदी द्वारा थाना जवा में FIR दर्ज किए जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया। इसमें कल दिनांक 24 फरवरी को रीवा जिला न्यायालय के पंचम अपर सत्र न्यायाधीश श्री विवेकानंद त्रिवेदी साहब अपराध क्रमांक 35/11 धारा 420, 467, 468, 471 एवं 120B भारतीय दंड विधान में निशा जायसवाल पत्नी पवन जायसवाल निवासी बरसौना थाना जवा जिला रीवा को 7 वर्ष का सश्रम कारावास एवं ₹1,000 अर्थदंड और व्यतिक्रम की दशा में 6 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास का दंडादेश पारित किए हैं। रीवा जिले के हनुमाना थाना परिसर में शुक्रवार को जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नवनीत बसीन, STOP शैलेंद्र शर्मा, थाना प्रभारी शैल यादव सहित हनुमाना STM मौजूद रहे। इस दौरान रीवा SP ने लोगों से उनकी समस्याओं को सुना और शीघ्र निराकरण का आश्वासन दिया। अपराधों की रोकथाम के लिए जनसहयोग की भी मांग की। आपको बता दें कि SSP नवनीत बसीन द्वारा लगातार अपराधों की रोकथाम के लिए अलग अलग थाना क्षेत्र में जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें जनसंवाद कर अपराधों की रोकथाम के लिए लोगों से चर्चा की जाती है। शुक्रवार को रीवा SP नवनीत बसीन द्वारा हनुमाना थाना परिसर में जनसंवाद का आयोजन किया गया, जिसमें उन्होंने कहा कि अपराधों पर अंकुश लगाने की मंशा तब तक पूरी नहीं हो सकती जब तक आप लोग पुलिस पर विश्वास नहीं करेंगे। जिस दिन आप लोग पुलिस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करेंगे, उस दिन अपराधी छिपने तक की जगह नहीं पाएंगे। अपराधों को रोकने के लिए पुलिस ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। आप लोग इस नंबर पर बिना किसी भय के सूचना दे सकते हैं, जिससे कि उस पर तत्काल कार्रवाई की जा सके। नशा कारोबार करने वाले पूरे समाज के दुश्मन हैं, वह हमारे और आपके घर के बच्चों को बर्बाद कर रहे हैं। मेडिकल नशा युवा वर्ग को खोखला कर रहा है। ऐसे लोगों पर अंकुश लगाकर हम समाज के साथ अपने परिवार की रक्षा भी करेंगे। जनता और पुलिस की गठजोड़ से ही अपराधों को रोक पाना संभव है। जनसंवाद में पुलिस हेल्पलाइन नंबर की जानकारी सभी को दी गई। रीवा SP ने कहा कि हेल्पलाइन नंबर पर सूचना देने वालों का नाम पता गोपनीय रखा जाएगा। आप लोग हेल्पलाइन का उपयोग करें और नशे के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान में सहभागी बने। प्रस्तुत है वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन से प्राप्त जानकारी के अंश। ने देखा कि आज जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान काफ़ी संख्या में लोगों ने सहभागिता की है। इसका मेन उद्देश्य है आम जनता और पुलिस के बीच की दूरी कम करना, उनके बीच परस्पर ऐसा माहौल निर्मित करना कि जनता अधिकतम सूचनाएं पुलिस को समय पर दे पाए और हम लोग और बेहतर तरीके से नशे पर नियंत्रण कर पाएँ, अपराध नियंत्रण कर पाएँ। साथ ही साथ एक्सीडेंट के ज़्यादा जो डेथ हो रही हैं उस पर भी हम सब लोग मिलकर काम कर सकें। तो आज के कार्यक्रम में काफ़ी उपयोगी सुझाव हमको मिले हैं एक्सीडेंट के संदर्भ में। साथ ही साथ हमने अपना हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है, जिसके माध्यम से लोग कभी भी सूचना दे सकते हैं। उसमें इनका नाम और नंबर गोपनीय रहेगा और इस विषय की समस्या खत्म हो जाएगी कि थाना प्रभारी को या किसी को फ़ोन लगाया और फ़ोन लगा नहीं या बात नहीं हो पाई। देखा गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र में जो ट्रक हम लोगों ने पकड़ा था गांजे का, वो इनपुट वहाँ से मिला था। रायपुर करचुलियान में 4000 टैबलेट्स, जो बड़ी कार्रवाई आपको बता रहा हूँ मैं, वो मिली थी। एक बार सुहागी क्षेत्र में कोरेस से भरी हुई गाड़ी UP से आ रही थी। ऐसी कई कार्रवाई हम लोग उसमें बड़ी अभी तक संपन्न कर चुके हैं। अभी उस नंबर का प्रचार प्रसार उस लेवल तक हो नहीं पाया है, तभी हमने इस विजिट के द्वारा उसको प्रचारित करने का उद्देश्य रखा है। मुझे लगता है बहुत अधिक संख्या में इन्फॉर्मेशन आएगी, फिर उसकी तस्दीक करके वो संख्या भी बढ़ जाएगी जहाँ कार्रवाई हमारी ज्यादा होगी। तालाबों को पुनर्जीवित करने की मुहिम जारी। चिरौला तालाब में साफ सफाई का कार्य प्रारंभ। पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ला पहुंचे चिरौला तालाब, कहा विरासत में मिले तालाबों को किया जाएगा संरक्षित। रीवा के प्राचीन धरोहर को बचाने की मुहिम तेज कर दी गई है, जिसमें विरासत में मिले तालाबों को भी शामिल किया गया है। आज इसी कड़ी में रीवा के चिरौला स्थित प्राचीन तालाब के साफ सफाई का कार्य शुरू किया गया। आपको बता दें कि रीवा शहरी क्षेत्र में ऐसे कई प्राचीन जलाशय हैं जो आज भी अपनी गुणवत्ता के लिए जाने जाते हैं। चिरौला तालाब की साफ सफाई के लिए नगर निगम के द्वारा निविदा निकालकर कार्य शुरू करा दिया गया है। इस दौरान पूर्व मंत्री एवं स्थानीय विधायक राजेंद्र शुक्ला ने कहा कि जितने भी इस तरीके के तालाब हैं उन्हें संरक्षित किया जाएगा, जिसके लिए कार्य प्रारंभ कर दिए गए हैं। तालाब सौंदर्यकरण के लिए कई तालाबों का चयन भी किया गया है, जिसमें रतहरा तालाब में काम भी चालू हो चुका है। स्थानीय विधायक राजेंद्र शुक्ला ने कहा कि रानी तालाब की तरह सभी तालाबों को संरक्षित किया जाएगा, जिसमें पाथवे सहित सौंदर्यकरण का कार्य किया जाना है।
प्रस्तुत है पूर्व मंत्री एवं वर्तमान विधायक राजेंद्र शुक्ला से प्राप्त जानकारी के अंश। किया गया था, इसमें पाथवे बनाए गए थे, नीचे टो बॉल बना के पिचिंग और ये सब किया गया था, लेकिन अभी पिछले दिनों देखने में आया कि यहाँ पे काफ़ी जलकुंभी और खज्जी उगाई हैं, गंदा पानी भी तालाब में आ रहा था, उसको डाइवर्ट किया गया, फाउंटेन लगाए गए हैं जिससे ऑक्सीजन की मात्रा जल में बढ़ सके, मछलियाँ डाली गई हैं जिससे जल शुद्ध रहे, और आज खज्जी हटाने के लिए लगभग 5.5 लाख रुपए का नगर निगम ने टेंडर किया है, और जो इस काम को करने के विशेषज्ञ हैं वो सारे लोगों ने आज काम शुरू किया है। इस तालाब को पूरी तरह से खज्जी मुक्त करके स्वच्छ जल, क्योंकि यहाँ पर चिरोरानाथ जी के दर्शन करने मंगलवार और शनिवार को तो 10,000 से ज़्यादा लोग आते हैं, लेकिन प्रतिदिन भी काफ़ी लोग आते हैं श्रद्धालु, और इस तालाब में सुबह और शाम हज़ारों लोग घूमते हैं, मॉर्निंग वॉक करते हैं, इवनिंग वॉक करते हैं, तो ये तालाब वास्तव में हमारी धरोहर है जिसको हमें संजो के रखना है। उस दिशा में आज बहुत ही ठोस कार्रवाई नगर निगम ने की है, मैं नगर निगम को इसके लिए बधाई भी देता हूँ कि तो उन्होंने खज्जी निकालने के लिए यहाँ पर निविदा करके और उसको हटाने का काम शुरू किया। शहर में बहुत से ऐसे तालाब हैं जो बिना शहर में, जैसे रानी तालाब को इसी प्रकार से विकसित किया गया, उसके बाद चिरोरा तालाब, और अब तीसरा तालाब रतहरा में काम लगा हुआ है, और वो भी बहुत ही सुंदर विकसित हो रहा है, लेकिन नए तालाब हम विकसित करें और पुराने तालाबों को यदि हम बचाएंगे नहीं, संरक्षित नहीं करेंगे, तो फिर लोगों का भरोसा कायम नहीं रहेगा। इसके बाद हमें और भी तालाब, विश्वविद्यालय का एक बहुत भारी तालाब है, उसके चारों तरफ पाथवे बनाएंगे जिससे कि वहाँ भी लोग तालाब के किनारे जो वृक्षारोपण है उसका आनंद लें और वॉक कर सकें। इसके अलावा हमारा कुबेर तालाब है, एक बोदाबाग में तालाब है, जितने भी तालाब हैं उसको किसी न किसी योजना में लेके हम लोग विकसित करके जो विरासत में हमको तालाब मिले हैं उसको बचा के उसको और सुंदर बना के हम जनता को समर्पित। आज की खबरों में बस इतना ही, कल हम फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए, नमस्कार।